डिपार्टमेंट की पहले ये JKPCC वालों ने अपने हाथ में लिया था, ये उनकी कमजोरी है। उसके बाद JKPCC को कॉन्ट्रैक्ट देने से गवर्नमेंट ने मना किया। अब हम बार बार गए हैं, डीसी साहब की नोट्स में लाया है, हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया में भी दिया है। ये जो पुल है ये हमारा अहम जरिया, हमारे तकरीबन 3000 कनाल दरिया के उस पार है। बाबा आदम से हम कश्ती में आर पार आ रहे हैं जा रहे हैं। बहुत दफ़ा हादसे भी हुए हैं यहाँ, बहुत बार हमने गवर्नमेंट की नोट्स में लाया है, सरकार की नोट्स में, डीसी साहब के पास गए, डीकॉम साहब के पास गए, मीडिया के थ्रू के हमने बहुत बार सब लोग गए हैं, लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी, सुनवाई हमारी कभी नहीं हुई। इलाके का नाम सीर जागीर है और मैं यहाँ का मंसीर है, मैं यहाँ का सरपंच बशीर अहमद डार हूँ। और 2000 में इसका ऐलान हुआ था, 2000 उस वक्त के डिप्टी CM थे मुजफ्फर हुसैन बेग, उसने इस पुल का ऐलान किया। 2007 में इसकी इनाग्रेशन की, उस वक्त के MLA थे, बाय इलेक्शन जीत के आए थे शेर नबी लून, उन्होंने इसकी इनाग्रेशन की। उसके बाद 2008 में हम लोग कुछ बंदे गए थे चेहरबिन के जरिए, हमने कुछ काम, RNB के मनीषर थे जावेद अहमद डार साहब, उन्होंने कहा था मैं साइट पे आ जाऊंगा, मैं खुद देख लूंगा कहां पर है पुल, मैं इसमें काम शुरू कराऊंगा। तब से लेके अब तक 15 साल में इस पर कुछ काम नहीं हुआ। हम कई दफ़ा हमने DC साहब के नोट्स में भी लाया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थ्रू या प्रिंट मीडिया थ्रू भी हमने, यहाँ के सभी लोग हर जगह गए, हर किसी का दरवाजा खटखटाया, लेकिन हमारी कभी सुनवाई नहीं हुई। अब 6 साल हो चुके हैं, हम चाहते हैं कि जो हमारे इस वक्त के LG साहब, जो मनोज सिन्हा साहब गौन, वो इसका खुद नोटिस लें हम और हमारी मुश्किलात का अजाला करें।